तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। तो ये जो स्मार्ट वॉच आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम है नॉइज इवोल्व 3। रिसेंटली मैंने सिर्फ जो है 3,000 रुपये में इसे जो है बाय किया था फ्लिपकार्ट के बिगुलर डे सेल पे। तो लेकिन इसका आपने ज़रूर जो है अनबॉक्सिंग एंड सेटअप वीडियो मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आई बटन पे है, उधर जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसका फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये जो है कितना वर्थ इट है और इसे जो है बाय करना चाहिए या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले थोड़ा मैं वॉच के रिगार्डिंग ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद जो है वॉच के रिगार्डिंग ब्रीफली बात करेंगे। तो वॉच कुछ सामने से ऐसा सा दिखता है, राउंड आइड डिजाइन में ही आ जाता है और डिस्प्ले के साइड में आपको पूरा जो है एक राउंड रिंग दिखेगा या फिर सर्कुलर रिंग जैसा दिखेगा। ये पूरा रिंग जो है आपको मेटल का दिख जाएगा, मेटल का बना हुआ है। और अगर मैं पूरे बॉडी के बारे में बात करूं तो बॉडी टोटली जो है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, मेटल का नहीं है। हालांकि मेटल जैसा दिखता है और लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छा खासा है। बाकी बकल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बकल इसका जो है प्लास्टिक का है और स्ट्रैप्स का क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक ही लगा है। कोई स्किन इरिटेशन वगैरह मुझे इसके रिगार्डिंग नहीं देखने को मिला है। एंड वॉच के राइट हैंड साइड पे आपको दो बटन्स मिल जाते हैं। जो पहला बटन है उसको क्लिक करते ही आप जो है मेन्यू पे पहुंच जाते हैं एंड जो सेकेंडरी बटन है उसको क्लिक करते ही आप जो है स्पोर्ट्स मोड या फिर वर्कआउट मोड्स पे जो है पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों बटन्स को आप रोटेट कर सकते हैं लेकिन रोटेशन का कोई एनिमेशन या फिर यूजेस वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। बाकी वॉच के बैक साइड में आपको सारे सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ ही आपको चार्जिंग पिन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और जो बैक है टोटली जो है प्लास्टिक का है, ग्लास का नहीं है। एंड इसी बैक में आपको जो है जो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए स्पीकर यूज होता है वही मिल जाता है एंड एक जो है माइक्रोफोन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बैक में होने के बावजूद भी स्पीकर्स वगैरह या फिर माइक्रोफोन्स वगैरह मफल नहीं होता है। तो अभी फिलहाल थोड़ा डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने 5,000 के अंदर जो है जितने भी राउंड डायल डिजाइन वाले स्मार्ट वॉचेस देखे हैं उनमें जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले बहुत ज्यादा छोटा होता है, 1.3 इंच का होता है। एंड जो बेजल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। लेकिन इसका मैं बेजल्स आपको एक बार दिखा दूं, इसमें जो बेजल्स मिलता है वो बहुत ही छोटे छोटे बेजल्स है। हालांकि इतना भी छोटा नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर राउंड आइल डिजाइन वाले डिस्प्ले इसमें जो है बेजल्स आपको छोटा देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको डिस्प्ले जो है 1.43 इंच का एक अच्छा खासा जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि राउंड डायल में ऑब्वियसली इस प्राइस ब्रैकेट में मिसिंग होता है। एंड ये डिस्प्ले कोई ऐसा वैसा डिस्प्ले नहीं है, ये एक अच्छा क्वालिटी का एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प लगा है। एंड इसका आउटडोर ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 500 निट्स का जो है ब्राइटनेस भी दिया गया है। एंड जो डिस्प्ले का टच क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ और स्क्रॉलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मुझे लगा, एज सच कुछ लैग मुझे डिस्प्ले के रिगार्डिंग नहीं देखने को मिला है। एंड फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने स्मार्ट वॉच पे जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेदर अभी जो है टोटली क्लाउडी है, इसलिए आपको अच्छे से ये चीज़ जो है विजिबल हो रहा है। जब जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है इसका विजिबिलिटी इतना भी अच्छा नहीं है, टोटली आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी इसका जो है एज रिगार्डिंग टू AOD है, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा जो है सॉफ्टवेयर का वॉक थ्रू एंड एक्सपीरियंस ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जो है नॉइस फिट ऐप को कैसे यूज़ करना है एंड जो है सेटअप का क्या प्रोसेस है सब कुछ जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मेरा सेटअप वाला वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा सॉफ्टवेयर का वॉक थ्रू ले लेते हैं। तो पावर बटन प्रेस होते ही हम जो है मेन्यू को एक्सेस हो जाते हैं। पहले जो है हमको नॉइज हेल्थ का ऑप्शन दिया गया है, इसी के अंदर ही आपको एक्टिविटी ट्रैकिंग वगैरह, हार्ट रेट सेंसर, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लिप मॉनिटरिंग सारा कुछ जो है ऑप्शन मिल जाता है। इधर से ही आप सारा कुछ जो है चेक वगैरह कर सकते हैं। एंड सिंपली बैक जाते ही हमें जो है मेन्यू पे नॉइज बज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आप जो है अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह, कॉल हिस्ट्रीज वगैरह एंड जो है डायल पैड वगैरह एक्सेस कर सकते हैं एंड कॉल भी लगा सकते हैं। हालांकि आपको कॉन्टैक्ट जो है ऐप के थ्रू जो है सिंक करना पड़ेगा। एंड अगर आप क्लॉक के ऑप्शन पे जाते हैं तो इधर ही आपको अलार्म सेट करने का, टाइमर वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको अलार्म पे क्लिक करना है और प्लस साइन को क्लिक करना है, इसके बाद टाइम सिलेक्ट करके ओके कर देना है, उसके बाद जो है अलार्म आपका सेट हो जाएगा। इधर ही आपको स्टॉप वॉच वगैरह, टाइमर वगैरह सारा कुछ जो है क्विक एक्सेस मिल जाता है। डायरेक्टली बैक जाते ही हमें जो है मेन्यू पे स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर ही डायरेक्टली क्लिक करके हम जो है स्पोर्ट्स मोड या फिर वर्कआउट मोड जो है एक्सेस कर सकते हैं। इनबिल्ट पे सिर्फ जो है 10 स्पोर्ट्स मोड आपको या फिर वर्कआउट मोड मिल जाते हैं एंड रेस्ट जो वर्कआउट मोड्स है 100+ जो है वर्कआउट मोड्स है आप अपने ऐप के थ्रू जो है
स्मार्ट वॉच सकते के मेन्यू पे हैं। आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। इधर आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड वगैरह भी चेक कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह कंट्रोल्स कर सकते हैं, एंड यहाँ तक आप वेदर्स भी इधर से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। वेदर्स ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड आपको अपना सिटी का वेदर दिखा देगा। लेकिन इससे पहले आपको जो है ऐप के साथ सिंक करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो इधर से आप फ्लैश लाइट भी लगा सकते हैं एंड सिंपली आप सेटिंग्स पे जाके ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल्स कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से जो है रेस टू वेक भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको जो है रिंगटोन एंड वाइब्रेशंस का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है एंड इधर से ही आप डायरेक्टली वाइब्रेशंस पे क्लिक करके जो है वाइब्रेशन का इंटेंसिटी जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड एज वेल एज डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इधर ही सेटिंग्स पे आपको ब्राइट स्क्रीन टाइम करके एक सेटिंग्स मिल जाएगा, उस पर ही आप क्लिक करके अपने हिसाब से जो स्क्रीन ऑन टाइम होता है उसको अपने हिसाब से जो है कितने सेकंड्स आपको चाहिए उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। एंड इधर ही सेटिंग्स पे आपको मेन्यू व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपली आप टैप करके जो है अपने हिसाब से ग्रिड व्यू या फिर लिस्ट व्यू पे सेट कर सकते हैं किस टाइप पे आपको मेन्यू का व्यू चाहिए, ठीक है। एंड इससे ही आपको जो है सेटिंग्स पे ही आपको AOD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं AOD जो है इधर से आप एनेबल भी कर सकते हैं। एंड दो प्रकार का मेनली AOD है, एक जो है एनालॉग आपको मिल जाता है, एक डिजिटल वाला मिल जाता है। तो इधर से आप जो है इसका एक्टिवेशन टाइम वगैरह कितना ड्यूरेशन चाहिए या फिर अपने हिसाब से जो टाइमिंग वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक। एंड इस वॉच को यूज करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ऊपर से अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एक्सेस हो जाता है, नीचे से अगर स्वाइप अप करते हैं तो आपको क्विक कंट्रोल्स पैनल मिल जाता है, और लेफ्ट से अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपको सारा कुछ जो है क्विक एक्टिविटीज का कंट्रोल्स वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह दिखा देता है। एंड राइट से अगर लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको SpO2 हार्ट रेट सेंसर का क्विक एक्सेस वगैरह मिल जाता है। एंड थोड़ा मैसेज नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैसेजेस वगैरह नोटिफिकेशंस ऐसा ही दिखता है। एंड इधर जो है आपको दो ऑप्शंस मिल जाता है, एक जो है डिलीट करने का और दूसरा जो है क्विक रिप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इधर से आप डायरेक्टली जो है क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है नोटिफिकेशंस को स्वाइप डाउन करके वही मैसेज को रीड करते हैं देन सिर्फ उधर ही आपको जो है डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, उधर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड ये जो स्मार्ट वॉच है ये जो है हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज में एक मैसेज जो है भेजा और आप देख सकते हैं इधर जो है सारा कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हिंदी मैसेजेस वगैरह ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा सेंसर्स की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, तो मुझे जो है हार्ट रेट सेंसर या फिर इसके SpO2 सेंसर के रिगार्डिंग कोई अनयूजुअल रीडिंग वगैरह नहीं मिला है। मैंने अपने रियलमी वॉच 3 Pro के साथ भी इसको कंपेयर किया है, सेंसर्स वगैरह एक्यूरेट है। लेकिन थोड़ा इसे जो है हम लोग टेबल पे टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे ये रीडिंग वगैरह देता है या नहीं। तो अभी फिलहाल पहले जो है हार्ट रेट सेंसर जो है चेकअप कर लेते हैं, और जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो है अंडर प्रोसेस है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये जो है अभी एरर दिखा दिया है, वेयर द वॉच प्रॉपरली दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये कोई अननेसेसरी या फिर टेबल पे जो है रीडिंग वगैरह नहीं लेता है। तो हम लोग जो है इसका SpO2 भी अभी चेक कर लेते हैं एंड कुछ देर बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका SpO2 भी कोई अननेसेसरी रीडिंग देता है या नहीं। तो फिलहाल अभी आप SpO2 का भी रिजल्ट देख सकते हैं, एरर शो कर दिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों सेंसर्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो अभी फिलहाल थोड़ा स्पोर्ट्स मोड के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको इनबिल्ट पे सिर्फ 10 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, लेकिन आप 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड जो है नॉइस फिट ऐप के थ्रू जो है सिंक कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय पे इस स्मार्ट वॉच पे 10 ही स्पोर्ट्स मोड रह सकता है। एंड अगर मैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करूँ तो इसका इंटरफेस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आउटडोर वॉकिंग वाला स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ जो है टाइमर वगैरह दिखा रहा है, इसमें स्टेप्स काउंटिंग का कोई भी जो है सिंबल या एनिमेशन नहीं है या फिर शो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको पता चलेगा सब कुछ जो है ऐप के थ्रू या फिर एक्टिविटीज के थ्रू ही पता चलेगा। एंड अभी थोड़ा ब्लूटूथ कॉलिंग के इंटरफेस एंड सैंपल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग अच्छे से यूज करना है तो नॉइस फिट ऐप पे आपको नीचे ही एक माई डिवाइसेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली जाना है, कॉल अलर्ट्स पे जाना है एंड इधर आपको ये दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसको आपको जो है एनेबल कर देना है, ठीक है। और सिंपली और एक चीज भी आपको करना है, सिंपली आपके फोन के ब्लूटूथ पे जाना है एंड ब्लूटूथ के साथ जो है अपने स्मार्ट वॉच को अच्छे से कनेक्ट कर देना है। एंड कनेक्ट करने के बाद उसमें मोर सेटिंग्स पे जाना है, इधर आपको एक चीज मिल जाएगा फोन कॉल्स करके, ठीक है। तो इसको भी आपको एनेबल करना है। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह सिंक करना है तो उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट शेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह करना है तो सिंपली आपको मेन्यू पे नॉइस बस का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या फिर डायल पैड के थ्रू जो है आप कॉल वगैरह लगा सकते हैं। एंड जब इनकमिंग कॉल आता है तो इसमें आपको एक डिफॉल्ट रिंगटोन मिलता है, वो बजता है, प्लस जो है वाइब्रेट भी ये वॉच होता है, तो उसका भी मैं सैंपल अभी आगे जाके दिखा देता हूं।
एंड इधर ही इनकमिंग कॉल के इंटरफेस पे आपको क्विक रिप्लाईज का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसका ऑडियो कॉलिंग सैंपल भी सुना देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? और कोई नॉइज या फिर डिस्टॉर्शन? ठीक है, थैंक यू। बाकी इसका जो ओवरऑल कॉलिंग क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये इंडोर्स पे रिकॉर्डेड था, लेकिन अगर आप आउटडोर्स पे जाते हैं तो थोड़ा आपको नॉइज़ या फिर डिस्टोर्सन वगैरह हो सकता है। एंड एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, फर्स्ट टाइम के लिए इनकमिंग कॉल्स वगैरह इसमें शो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर से मैंने वॉच को रीसेट करके फिर से सेटअप किया, उसके बाद ये शो करने लगा। बाकी इसके बैटरी के रिगार्डिंग मैं इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है 2-3 दिन ही इसको यूज़ किया है। बाकी जो भी मेरे को बैटरी बैकअप मिलेगा मैं कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट पे जो है अपडेट आपको कर दूंगा। और जैसे कि कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 5,000 के अंदर सबसे बेस्ट राउंड आइल स्मार्ट वॉच जो है यही निकल के आ जाता है। तो ऑब्वियसली आप इसे प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा क्वालिटी का आपको डिज़ाइन मिल जाता है, प्लस जो है डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ब्लूटूथ कॉलिंग का भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें मिल जाता है। तो ऑब्वियसली इसे प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन इसका डायल साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा आपको ध्यान पे रखना होगा। लेकिन कभी कभी ये स्मार्ट वॉच जो है फ्लिपकार्ट में 5,000 रुपये का बिकता है, तो 5,000 रुपये में ये वर्थ इट नहीं है। इसके अलावा आप जो है रियलमी वॉच 3 प्रो 5,000 रुपये में बाई कर सकते हैं। कभी ना कभी आपको अगर 4,000 के अंदर ये चीज़ जो है देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली इसे जो है आप बाई कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ऑब्वियसली जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।